90s के दशक की एक्ट्रेस आयशा झुलका का जन्म 28 जुलाई 1972 को श्रीनगर में हुआ था। आयशा ने केवल 11 साल की उम्र में 1983 में आई फिल्म कैसे कैसे लोग से डेब्यू किया था। उन्होंने अपने 27 साल के करियर में करीब 52 फिल्मों में काम किया है। आयशा झुलका ने फिल्म जो जीता वही सिकंदर में आमिर खान की बचपन की दोस्त अंजलि का रोल निभाया था। फिल्म में आयशा के किरदार को लोगों ने खूब पसंद किया था। आयशा झुलका का नाम कई एक्टर्स के साथ जुड़ चुका है। फिल्मों में आयशा और अक्षय कुमार की जोड़ी को जहां दर्शकों ने खूब पसंद किया, वहीं उनके अफेयर के किस्से भी उस दौरान बॉलीवुड गलियारों में चल रहे थे। लेकिन अक्षय उस वक्त इस रिलेशनशिप को लेकर गंभीर नहीं थे, जिसकी वजह से अक्षय के साथ आयशा ने अपना रिश्ता खत्म कर लिया था। 1993 में आयशा झुलका ने एक्टर मिथुन चक्रवर्ती के साथ दलाल फिल्म की थी। फिल्म के साथ ही दोनों का अफेयर शुरू हो गया। कहा तो यहाँ तक जाता है कि दोनों लिव इन रिलेशनशिप में भी रहे थे। उनकी फिल्म में काफी सीन्स थे, जिसकी वजह से ये मामला कोर्ट तक भी पहुँच गया था। शायद ये फिल्म करना आयशा झुलका की एक बड़ी गलती थी, क्योंकि इसके बाद उनका करियर लगभग खत्म हो गया। साल 2003 में आयशा झुलका ने नाना पाटेकर के साथ फिल्म आज में सीन्स दिए थे। फिल्म में आयशा और नाना के बीच इंटीमेट सीन्स फिल्म आए गए, जिसके बाद दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ गए थे और लिव इन में रहने लगे। उस वक्त मनीषा कोइराला और नाना पाटेकर के बीच भी नजदीकियों की खबरें आईं। कहा जाता है कि आयशा झुलका की वजह से मनीषा कोइराला और नाना पाटेकर के बीच ब्रेकअप हुआ था। हालांकि आयशा और नाना के बीच भी रिश्ते ज्यादा दिन तक नहीं चल पाए। साल 2003 में ही नाना से अलग होने के बाद उन्होंने बिजनेस टाइकून समीर वाशी से शादी कर ली। अभी दोनों की एक बेटी है। फिल्मों से दूरी बनाने के बाद आयशा फिलहाल अपने पति के साथ बिजनेस संभाल रही हैं। अभी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की चटपटी न्यूज़ देखने के लिए। फिर मिलेंगे मसालेदार खबरों के साथ। बाय बाय।